हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ डीजी मेंटो में। और यहाँ हम डिस्कस करेंगे आज संविधान की प्रमुख विशेषता है, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको शुरू करने से पहले चैप्टर को, कि आप लोग डीजी मेंटो जो चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और जो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं या कोई क्वेरी है आप लोगों की किसी सब्जेक्ट को लेकर के, वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे पहले हम समझेंगे इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या है, संविधान होता किस टाइप से है, पहले हम ये सब सीखेंगे इसमें। कि संविधान तो हम सब जानते हैं कि भाई संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है वो जानेंगे हम पहले। अगर मैं बात करूँ संविधान के बारे में, जो संविधान है हमारा वो कितने प्रकार का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आपका दो प्रकार का होगा। एक होगा लिखित यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होगा अलिखित यानी कि नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित और अलिखित। संविधान हमेशा दो प्रकार के आपको देखने के मिलेंगे, एक होगा लिखित, एक होगा अलिखित। और इसके अलग कोई संविधान नहीं है कि आपको बोले भाई ऐसा संविधान है, वैसा संविधान है, कुछ नहीं होता। केवल दो ही टाइप के संविधान आपको हमेशा मिलेंगे, लिखित और अलिखित। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है इनको समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंदर जो जाकर फ्यूचर से समझेंगे क्या क्या है, ठीक है। पहले मैं बेसिक कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और जिस पर डिपेंड है हमारी पूरे इंडिया चलता है या फिर अदर कंट्री जो चलती हैं, हमारे रिलेशन कैसे बनते हैं, तो उन सब बातों को हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह पढ़ेंगे। देखिए, जो लिखित संविधान है उसका एक अपने इम्पोर्टेंस है। बहुत सिंपल सी बात है, जब लिखित की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो रिटन में होंगी, ठीक। जैसे आपको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट आपको कैसे दे दिए कि भाई एक बंदा उठा, उसने बोला कि आपके पास मूल अधिकार हैं, ठीक। अब वो मूल अधिकार जो हैं वो क्यों हैं, कितने हैं, कैसे हैं, आप उनका यूज़ कैसे कर सकते हो, तो ये जो बात है वो कहाँ लिखी गई है, वो संविधान में लिखी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास मेंशन कर दी जाएगी हर एक बात, आपका देश कैसे चलना है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी होगी, कानून कैसे बनेंगे, ठीक है, कोई भी एक बात ऐसी जिससे देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, किसी प्रकार का कोई असर पड़े, वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगी, सॉरी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित वो बात होगी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होगी। अब बिना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे, अगर सोचिए कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी तो क्या होगा, इसका मतलब उस चीज़ का महत्व नहीं। आप जैसे नॉर्मली किसी से बात करते हो, ठीक, आप कहते हो कि भाई हमें ये चीज़ दे दीजिए या फिर ये चीज़ कर दीजिए, किसी से आप डील करते हो, आप जाते हो ना किसी दुकान पर, शॉप पर, आप शॉपिंग करने जा रहे हो, नॉर्मल सी बात है, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक बिल मिलेगा, करेक्ट। बिल क्या है, आपने एक प्रूफ ले लिया कि हाँ आपने बिल दे दिया, मैं कोई बोल, अगर मान लीजिए बिल आपने दे दिया, एक प्रोडक्ट का बिल दे दिया कि आपने कोई एसी खरीदा, सपोज, अब दुकानदार ने आपको बोल दिया मैम इसकी जो गारंटी है, फिर सर इसकी गारंटी एक साल की है, उसने आपको बोल दिया, तो आप उसको ये तो बोलोगे ना कि जो इसका एक साल की आप गारंटी बता रहे हो उसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है या फिर कोई ऐसा कार्ड है गारंटी कार्ड कि मेरा खराब जाए तो मैं इससे कॉन्टैक्ट कर सकूँ, दिखा सकूँ, तो वो क्या बोलेगा कि हाँ मैम ये हम आपको रिटर्न में दे रहे हैं और ये इसमें फीचर्स है, ये इसकी गारंटी है, तभी तो आप लोगे ना, उसके कैटलॉग भी बनी होगी, उसमें आप फ्यूचर पढ़ोगे उसके कि भाई वोल्टास का एसी कैसा है, बीपीएल का कैसा है, ठीक है, और आपका सैमसंग कैसा है, तो इसका मतलब क्या है, उन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो सेम वही कंडीशन आप उठाकर देख सकते हो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जहाँ पर भी आपका लिखित संविधान होगा वहाँ पर चीज़ें लिखी गई होंगी। अब इसके विपरीत अगर हम देखें तो अलिखित में क्या है, बहुत सिंपल है, जहाँ पर जुड़ गया अलिखित, आ लगा दिया, इसका मतलब जहाँ पे चीज़ों को लिखा नहीं गया है, अभी भी राजा महाराजा वाले टाइप चल रहा है कि बोल दिया तो बोल दिया। अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, कि अगर कोई इंसान कोई जुर्म करता हो पकड़ा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन बन जाएंगी दोनों में। जैसे कि मान लीजिए लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं पर, जैसे भारत हो गया हमारा, ठीक है, भारत है, अमेरिका है, तो ये दोनों कंट्री कैसे हैं, इनमें लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और जैसे मैं यूएसए लिख देता हूँ, ठीक, ये जो यूएसए है आप सब इसकी फुल फॉर्म जानते हैं कि यूएसए क्या है, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडिया,
आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में इंडिया के फुल फॉर्म बताएंगे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक, अब आगे समझते हैं। यूएसए और इंडिया दोनों में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन चलता है हमारा, लिखित संविधान, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ब्रिटेन की, ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर राजा है भाई। कहीं पर आपने देखा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और वहां पर राजा हो? मुश्किल है, ऐसा होता ही नहीं। 2015 तक, यानी 2015 तक नेपाल एक ऐसा देश था जिस, जो हमारा बिल्कुल नेबर कंट्री, हम कोई बहुत दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत नेबर कंट्री की बात कर रहा हूँ, नेपाल तो हमारा नेबर कंट्री है। ठीक है, तो नेपाल में क्या था, 2015 तक भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो वहाँ पर राजा था, राजा का राज चल रहा, राजा ने जो बोला वो हो गया, फाइनल है। लेकिन बाद में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ से राजा का राज खत्म हुआ और वहाँ पर अब क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब है वहाँ पर, और हमारे देश में भी है। अब ब्रिटेन में आपने तो इसमें देखा है कि राष्ट्रपति, यही चीज़ देखने को आपको मिली है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने अभी सजा वाली बात बताई आपको, अगर ब्रिटेन में किसी कानून के तहत, यानी कि किसी जुर्म के तहत, मान लीजिए ब्रिटेन में किसी इंसान ने चोरी की, ठीक, अब चोरी कर ली और पुलिस वालों ने पकड़ लिया, अब कुछ भी कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए जो पुलिस वाले हैं, अभी जो मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनको लगा भाई बंदा सही नहीं है, या फिर कुछ अपने कहते ना कि जानी दुश्मनी, जाति दुश्मनी, ठीक है, पर्सनल कुछ होता है, तो उसके चक्कर में उसको बोला भी इसको ज़्यादा सजा करवानी है। अब यहाँ पर कोई सजा रिटर्न में तो है नहीं कि भाई क्या होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, तो क्या करवा दो इतनी बड़ी सजा, समय के अकॉर्डिंग चलेगा काम वहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिटर्न में है, इंडिया में रिटर्न में है, किसको कितनी सजा देनी है, किस कानून में कितना लिखा है। आपने किसी के पेट में चक्कू घुसा दिया, रामपुरी घुसा दिया, उसकी तो जो इंचर पिंचर अंदर के हिल गए भाई, उसके तार वायर तो कट गए अंदर के, ठीक है, लेकिन वायर आपने काटने के बाद में उसको सजा कितनी मिलनी है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका जो भारत का संविधान के अनुसार जो कानून बना है वो ही डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि जज अपनी मर्जी से बोल देगा नहीं, इसने इसके वायर काटे तो इसके भी वायर काट डालो। कभी आपने सुना, कहते ना कि आग के बदले आँख, अगर किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, पत्थर लिया, गुस्से में आया, सर फोड़ दिया, भाई फोड़ दिया, अब सोचो कि जज कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि भाई अच्छा सर फोड़ा, रुको एक और ईंट लेगा, और अब आप बड़ी वाली ईंट लेकर आना, उसका सर मेरे सामने फोड़ो, कानून क्या कि सेम सजा, तो ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, सजा का प्रावधान है कि भाई किस जुर्म के लिए किस समय पे कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये सब यहाँ रिटर्न में है। अब नॉन रिटर्न में ये हो सकता है, अब नॉन रिटर्न में एक और प्रॉब्लम है, देखो मान लीजिए किंग है, राजा है, ठीक है, नॉन रिटर्न में कभी भी राजा जो होगा वो गलत नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, किसी को मान लीजिए फांसी की सजा देनी है, अब ये इंसान है और मान लेते हैं इसका नाम गुड्डू है, ठीक है, अब इस इंसान का नाम गुड्डू है, अब इसने छोटा सा क्राइम कर दिया, कोई भी क्राइम कर दिया इसने, अब देखिए वैसे नाम तो बड़ा प्यारा है गुड्डू, लेकिन क्राइम तो कर दिया भाई, ठीक है, पुलिस वालों ने इसको धर दबोचा कि पकड़ लिया भाई, और पुलिस वाले क्या वाह लूटते, भाई हमने तो जल्दी से पकड़ लिया, क्रिमिनल पकड़ लिया, भले ही वो इनोसेंट बंदा हो लेकिन पकड़ लिया, उनको क्या होता है बस जल्दी सजा मिल जाए और हमारा पीछे छूटे। अब ले गए, थोड़ा बड़ा इशू था, बहुत बड़ा क्राइम इसने किया, ले गए इसको, ठीक है, वहाँ मान लो इसको फांसी की सजा देनी है, अब गुड्डू के तो हाथ पैर फूल गए, भैया फांसी होगी मेरे को तो, ठीक, तो क्या यहाँ पे क्या किया गया कि गुड्डू को लटकाने का बंदोबस्त किया, लेकिन जो लटकाने का बंदोबस्त किया जाएगा ना गुड्डू को, वो उसके ऊपर साइन कौन कर रहा है, मिनिस्टर कर रहा है, आदेश किसका है, आदेश है राजा का या फिर रानी का, उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई आप साइन कर दो, इनको लटका दो, आदेश किसने दिया, राजा या रानी ने, साइन किसने के लटकाने के लिए, डेथ वारंट पे मिनिस्टर ने, ठीक है, और प्रोसेस में आ गया। अब इन केस किसी को पता चल जाए कि गुड्डू ने तो जुर्म किया नहीं, तो इनोसेंट बंदा उसको फंसाया गया यहाँ पर, ठीक है, तब क्या होगा भाई, फांसी से तो रोकनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी, तो इस केस में क्या होगा कि जो राजा और रानी है जो भी है वो गलत नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जो सिग्नेचर किए हैं, सिग्नेचर किसने किए, सिग्नेचर किए मिनिस्टर ने, ठीक है, तो जो गलत साबित होगा कौन होगा, मिनिस्टर, कि उसने गलती की है। तो जहां पर भी नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर जो भी राजा या रानी के शासन होगा वो कभी भी गलत नहीं होते, कहते ना वो अवधारणा आती है, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो वही वाला है, किंग इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है, तो उसी प्रकार से अब गुड्डू तो बच गया, देखो गुड्डू बच गया, वो ठीक है,
लेकिन गलत कौन साबित हुआ? आपका मिनिस्टर, ठीक है। तो ये फर्क आता है रिटर्न और नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये आपके संविधान की एक अवधारणा की, संविधान किस प्रकार का होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आपके दो टाइप है, एक लिखित एक अलिखित। लिखित में क्या क्या है कि हर बात लिखी गई है, ठीक। और देखो लिखित में एक और समस्या क्या है, अगर मान लीजिए आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक। अब मान लीजिए हमारे देश में पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और कौन कौन होते हैं, सीएम भी होते हैं, होम मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट है, सारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक। अब इनको कोई संविधान में चेंज करना है, मान लीजिए पीएम का मन किया कि भाई मुझे संविधान में चेंज करना है, ठीक। अच्छा जी कर लो चेंज, तो क्या संविधान में चेंज करना पीएम की अपनी मर्जी हो जाएगी कि मैं उठा संविधान में चेंज कर दिया? नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर्वसम्मति से चीज़ें होंगी, ठीक है। वो भी मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा आगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर जैसा समय और जैसी सहूलियत आपको दिखेगी, ठीक है। मान लीजिए बरसात का सीजन है, किसी ने बोल दिया कि बरसात में छाता लेकर कोई नहीं निकलेगा, सबको बारिश का मजा लेना है, ठीक। तो एक कानून बनाने के लोग, सब बारिश का मजा लेंगे, छाता लेकर कोई नहीं निकलेगा। ये राज्य ने फरमान जारी किया है, कोई संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राज्य ने फरमान जारी कर दिया तो आपको करना पड़ेगा, भले आप भीग जाओ, जुकाम हो जाए, टाइफाइड हो जाए, बंदा मर जाए, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो उस प्रकार से जो उनकी मर्जी वो कर सकते हैं नॉन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए बोलते हैं कि जो लिखित संविधान है उसका एक अलग महत्व है। और देखिए आज़ादी के बाद, ठीक है, हमारा देश किससे आज़ाद हुआ भाई, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उससे तो हमें आज़ादी मिली। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अपना एक संविधान बनाओ जिससे कि आपका देश चल सके, लेकिन बड़े मूर्ख थे वो लोग, अपना खुद का संविधान आज तक नहीं लिखा उन लोगों ने, उसका भी एक कारण है। देखिए जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो पहले टाइम से ही कुछ हैबिचुअल थे, कैसे, मतलब उनको आदत थी कि जो भी वो काम करते थे उसको लिख के रखते थे, ठीक है। मतलब पता पोथे बनाना एक प्रकार से उनको आदत थी, तो उन्होंने मान लीजिए कोई नया सा कानून बनाया उसको उन्होंने लिख के रख दिया, डाल दिया, ठीक है। एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन उनका नहीं बना, लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशन उनका रहते हैं हमेशा, ठीक। तो उसके बेस पर चल रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कभी ना कभी तो कि भाई उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत पड़ेगी और वो बनाएंगे, और शायद सबसे नया संविधान उनका ही बनेगा, क्योंकि पता नहीं कब बनाएंगे, ठीक है। अभी तो वो टिकी हुई उनकी रानी, तो अलग बात है। अब इसमें हम दो चार चीज़ें और समझते हैं कि संघ क्या होता है, ठीक है, यूनियन क्या है, यूनाइटेड क्या है, वो सब समझते हैं हम लोग। अब हम इसमें एक छोटी चीज़ और समझ लेते हैं, ठीक है। संघ हम बोलते हैं यूनियन, और एक होता है आपका यूनाइटेड, संयुक्त। ये क्या क्या चीजें हैं इनको समझ लेते हैं। देखिए आप लोगों ने हमें सुना होगा कि संघ राज्य, ठीक है, इंडिया को हमेशा बोला जाता है क्या, संघ राज्य, और अमेरिका को क्या बोला जाता है, संयुक्त राज्य। ये यहाँ पर अवधारणा है संघ की, यानी कि यूनियन की और संयुक्त की, यूनाइटेड की, ये क्या है उसको समझते हैं। देखिए संघ का मतलब है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो विशेषज्ञ लगे हुए थे उन सब ने एक बात की भाई हमारा जो इंडिया वो कैसा होना चाहिए, और हम बात हमेशा करते आए थे, गांधी जी ने भी यही बात बोली, नेहरू जी ने भी यही बात बोली, ठीक है, आम्बेडकर जी ने भी यही बात बोली, और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन सब, मतलब जितने भी पॉलिटिशियन थे और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में शामिल थे उन सब ने एक ही बात बोली कि भाई हमें एक अखंड भारत बनाना है, ठीक है, सबको साथ लेके चलना है भारत में। अब जब साथ लेके चलने वाली अवधारणा आ रही है तो हमें संघ की बात करनी होगी, क्योंकि संघ का मतलब समझते हैं, संघ का मतलब क्या है कि सब एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं। अब इंडिया में हम जानते हैं आज के डेट में कितने स्टेट है, 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, यानी कि 29 डिफरेंट टाइप के स्टेट हैं और 7 यूटीज हैं हमारी, ठीक। तो इनका मतलब क्या हुआ, देखिए जब आप संघ के साथ जुड़ गए यहाँ पर, ठीक है, 29 स्टेट और 7 यूटीज, आपको अधिकार है कि आप इंडिया के साथ जुड़ सकते हो संघ के तौर पे, ठीक। मान लीजिए कल को कोई और देश उठ के बोले कि भाई हमें इंडिया का भाग बनना है, ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम इंडिया में ही रह करके, अभी हमारे 29 स्टेट, अगर इनको 30 में कन्वर्ट करें, 31 करें,
या कम करके 28 या 27 करे, तो ये संभव है। लेकिन इंडिया में रह करके अगर इनमें से कोई भी एक राज्य खड़ा होकर ये बोले कि हमें इंडिया से अलग होना है, समझ रहे ना, कि हमें इंडिया का भाग नहीं रहना, तो संभव नहीं है। उनको बोले चुप हो जाओ, बहुत बोलिए, बैठ जाओ, ठीक है। उनके लिए सीधा यही लाइन आएगी निकल करके कि आप इंडिया के भाग रहोगे हमेशा, लेकिन आपको इंडिया से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, आपके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि आप किसी भी तरह से इंडिया से अलग हो सको, ठीक है। अब इसके लिए इसको कहा गया है संघ राज्य, यानी कि आप इंडिया में आ सकते हो लेकिन इंडिया से बाहर नहीं जा सकते। और इसके विपरीत अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने स्टेट हैं आपको पता हो शायद, 50, ठीक है। और जो उनका वो है ना झंडा, फ्लैग जो हम बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का नया वो नेशनल फ्लैग जो है उनका, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ऊपर की तरफ राइट हैंड कॉर्नर पे वहाँ पे स्टार बने हुए हैं बहुत सारे, तो जो स्टार है ना वो टोटल 50 स्टार हैं, 50 तारे हैं, और वो हर स्टार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर 51 स्टेट हो जाए तो स्टार भी 51 हो जाएंगे, कोई स्टेट कम हो जाए तो स्टार भी कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड की बात कैसे आती है, ये जो 50 स्टेट है संयुक्त राज्य अमेरिका के, इनको अपने अलग अधिकार दिए गए हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है संयुक्त में कि आपके पास बंदिश है, पाबंदी है कि आप इंडिया से अलग नहीं हो सकते। राज्य अंदर रहकर कितने बनाओ, छोटे छोटे राज्य बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग नहीं हो सकते आप इंडिया से। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ये कहते हैं आपका जब मन करे आप खुद को एक अलग देश घोषित कर सकते हो इंडिया से, ओ सॉरी अमेरिका से, अलग हो जाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए वहाँ पे एक और फंडा चलता है ड्यूअल सिटीजनशिप का, वो इसी वजह से है, कैसे कि आप अगर वहाँ रह रहे हो तो पहले आप उस स्टेट के, ठीक है, स्टेट के नागरिक हो और फिर आपको मिलेगी नागरिकता किसकी, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। और यहाँ पर क्या है सिंगल सिटीजनशिप, और ये हम सिटीजनशिप वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, यह मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो इसलिए कहते हैं संयुक्त और संघ की अलग अलग अवधारणाएं हैं कि संयुक्त में आप कभी भी मन चाहे अलग हो सकते हो, कभी मन चाहे आप ऐड हो सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है, सब एक जैसा है। लेकिन संघ में आपको ऐसी करने की कोई छूट नहीं है, आपको मना कर दिया जाएगा, बोलेंगे भाई बहुत रायता फैला रहा हूँ, बैठ जाओ, बहुत हो गया आपका, ठीक। चलिए अब आगे समझते हैं और इसकी चीज़ें कि कैसे कैसे फीचर से समझते हैं। देखिए हमारा संविधान बनना शुरू हुआ और तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर कंप्लीट हुआ। और मैंने आज से पहले वाला अगर आपने वीडियो हमारा सुना होगा, ठीक है, जिसमें मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, तो उसमें आपने ध्यान अगर दिया होगा तो मैंने वहाँ डेट भी बताई है कि किस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया, लागू नहीं हुआ, एक्सेप्ट किया गया किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी वो डेट थी जिसको, जिस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के द्वारा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के चेंजेस देखने को मिले और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए, जिसमें हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे उसमें एक 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है, और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 42nd कर देता हूँ इसको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, साथ ही 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हैं ये स्पेशल हैं, और सब में, इन सब में स्पेशल एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इनको हम आगे जाकर के अलग से ही पढ़ेंगे, तो इनको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपका, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सब हम आगे जाकर सेपरेटली पढ़ेंगे, इनके लिए अलग से चैप्टर भी हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं ये बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, और यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्पेशली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, देखिए 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका 1976 में हुआ, ठीक। अब जब 1976 में हुआ तो इसको एक प्रकार से बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है
लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, एक छोटा भारतीय संविधान, क्योंकि उसमें चेंजेस बहुत महत्वपूर्ण हुए, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस में हुए इसके लिए। केशवानंद भारती मामला जो है, ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और केशवानंद भारती मामला कब आया एक मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ूंगा आप लोगों के लिए जिससे कि आप अच्छी तरह समझ सको उसको। तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज कर सकते हो अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत, परंतु संविधानिक शक्ति, संविधान के मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते, ठीक है। अनुच्छेद 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो अप्रूवल देता है, ठीक, इसके तहत आप संविधान में बदलाव कर सकते हो, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा होगा, अब मान लीजिए मूल ढांचा क्या होगा, मान लीजिए प्रस्तावना है, ठीक है, अगर आप प्रस्तावना को हटाना चाहते हो, ठीक है, आप प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हो कि कुछ नए शब्दों को जोड़ा जाए, वो ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट्स है। अभी ऐसा हुआ था कि लास्ट ईयर एक फंडामेंटल राइट ऐड किया गया आर्टिकल 21 में, एक बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी आपका अधिकार है, ठीक है, डाल दिया गया। और अभी एक और अपील डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बोला गया कि खेल, खेल के लिए, प्ले के लिए, ठीक है, कि वो भी बच्चों का एक मूल अधिकार होना चाहिए खेलना भी। तो अब वो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा, भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे होगा, तो वो सब है। आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो कि आप फंडामेंटल राइट्स को हटा दो, बिल्कुल पूरी तरह हटा दो, तो क्या आप संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ कर रहे हो, तो इसमें आपको परमिशन नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में यही कहा, ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट दी वो कौन से ईयर में दी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं फिर से ये क्वेश्चन आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमें संविधान की जो विशेषताएं, उनको मैंने आपको बता दिया कि संविधान कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश का है, भारत का, ठीक है। और भारत का संविधान एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें सभी को देख करके कुछ ना कुछ डाला गया है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी धर्म को हटाया गया हो या किसी जाति को पिछाड़ा गया हो, नहीं, सभी के लिए अलग से प्रावधान इसमें रखे गए हैं। और एक और बात बोली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो वो अंत तक, यानी कि लास्ट तक बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो वो लास्ट तक अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। और ये किसी भी रूल के लिए आप कह सकते हो, मान लीजिए आज की डेट में भी आप डिफरेंट टाइप्स के रूल बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इन्हें कानून लागू करती है, कुछ कानूनों को परिवर्तित करती है, चेंजेस लाते हैं कानूनों में, ठीक है, लॉज में चेंजेस होते हैं। तो क्या है, आप कुछ लोग होते हैं सड़क पर तोड़ जाते हैं, बस जलाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सब क्या है ये, अगर आप कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगला इसमें समझते हैं आगे, देखिए 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया, ठीक, तब तक संविधान में, जो भारतीय संविधान में, उसमें क्या क्या था उसको हम देख लेते हैं। इसमें एक प्रस्तावना थी, ठीक है, इसको हम प्रेम्बल बोलते हैं, 1949 तक, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, ठीक है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, एक प्रस्तावना यानी कि एक प्रेम्बल था, ठीक, एक प्रेम्बल था, और भी तो कुछ होगा उसमें, ऐसा तो नहीं केवल प्रेम्बल भी हो जाएगा काम, नहीं, एक प्रेम्बल था, साथ में यही लिखता हूँ नीचे 395, ठीक, 395 इसमें आर्टिकल्स थे। तो हम बोलते हैं अनुच्छेद 395 से, ठीक, उसके साथ में इसको 22 भागों में, 22 भागों में यानी कि पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल,
तो ये सब मिलाकर के हम कह सकते हैं कि एक हमारा संविधान बना था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल, 395 आर्टिकल्स, उसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, 22 भागों में विभक्त, 22 पार्ट थे इसके, और 8 अनुसूची यानी कि 8 शेड्यूल इसमें बनाए गए थे, ठीक। लेकिन एक और इसमें प्रावधान रखा गया था आर्टिकल 368 का, जिसमें कहा गया कि जैसे जैसे जरूरत है, आप सोचिए अगर वो चाहते, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे, अगर वो चाहते तो उसको यहीं पे फिक्स कर देते कि भाई ये एक बन गया और इसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन वो कहते रहे, वो थोड़े काफ़ी विद्वान लोग थे और बहुत उनकी दूरदृष्टि थी, तो समझते थे इस चीज़ को कि समय के साथ साथ चेंजेस आते हैं और समय के साथ साथ बदलाव की जरूरत पड़ती है, इसीलिए संविधान को भी लचीला बनाया गया कि आप इसमें समय के अनुसार बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव भी हमेशा समय के अनुसार देखे भी गए, और मैं बताऊंगा आपको अभी कैसे कैसे बदलाव हुए, ठीक है, और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। देखिए अगर मैं बदलाव की बात करूं इसको लेकर के, तो यहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्ताव रखी, प्रेम्बल जो रखा, इसमें कोई बदलाव नहीं। हाँ, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट किया गया, लेकिन वो प्रस्तावना के अंदर था। ऐसा नहीं कह सकते आपकी प्रस्तावना को एक से दो कर दिया गया या फिर हटा दिया गया, नहीं, वो मूल ढांचा है प्रस्तावना जो है, ठीक है। प्रस्तावना के अंदर जो शब्द थे उनको बढ़ाया गया, उनमें परिवर्तन किया गया, तो उनको हम प्रस्तावना में अलग से पढ़ेंगे, तो यहाँ डिस्कस मैं नहीं करूँगा, उसके लिए अलग से चैप्टर है। अब जो है आर्टिकल्स हैं, 395 पहले थे, अब ये बढ़ करके कितने हो गए, तकरीबन ये चले गए 465। और अब ये भी होता है कि एक मैंने अनुमान बताया कि इतने हो गए, मैं बिल्कुल फैक्चुअल डेटा आपको नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हमेशा होते रहेंगे। जहां पर आपके 22 पार्ट थे, 22 पार्ट थे, वहां पर बढ़ाकर कितने हो गए, ये 25 हो गए, ठीक है, ये फिक्स है अभी फिलहाल के लिए, तो 25 पार्ट्स हो गए, बढ़ गए। और जो आपके शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां जो थी, वो बढ़ करके कितने हो गई, 12, यानी कि 4 इसमें और ऐड की गई। और ये 22 पार्ट को भी हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, 8 अनुसूचियों को भी हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अब ये जो आपको सर सिर्फ वो 465 जो आर्टिकल्स हैं इनको नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो काम के आर्टिकल्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, केवल हम वही डिस्कस करेंगे इन 465 आर्टिकल्स में से, सब हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और इसमें देखिए फिर एक और चेंजेस आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये आया 1951 से कुछ संशोधन हुए, और इन्होंने तकरीबन 20 अनुच्छेद और एक भाग, हम बात करें तो 20 अनुच्छेद आर्टिकल, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ अनुच्छेद, ठीक है, 20 आर्टिकल और एक भाग, और भाग कौन सा था वो, ये था भाग आपका 7, ठीक है, इनको हटा दिया और करीब 85 अनुच्छेद और ऐड किए गए, ठीक है, 85 अनुच्छेद और 4 भाग, यानी तो मैं 85 अनुच्छेद और 4 भाग। ये 4 भाग कौन कौन से थे इनको मैं देखे लिख देता हूं, ये 4 भाग थे आपके 4 का, इसको आप ए भी लिख सकते हैं, मैं ए लिख देता हूं, 4A, 9A, 9B और 14A, ठीक। और 4 अनुसूची जो मैंने अभी बताई आपको, यहाँ पे 4 शेड्यूल बताने कि 8 से 12 होगा, तो 4 ऐड किए गए, 4 कौन सी थी, 4 सूचियाँ, अनुसूचियाँ, ये आपकी हो गई 9, 10, 11, 12, भाई तो कंटिन्यू हो गई ना 9, 10, 11, 12, क्योंकि आपने 8 से बढ़ा करके 12 कर दिए, तो 4 ऐड कर दिए हमने, ठीक है। तो ये जो था 1951 में, इसमें इन सब चीज़ों को जोड़ा गया, ऐड किया गया, ठीक है, ये सब चीज़ें ऐड कर दी गई। और 1951 क्या है, 1951 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है एक प्रकार से, ठीक है, उसमें सब चीज़ें जोड़ दी गई। आगे देखते हैं इसमें, अब देखिए जो हमारा भारतीय संविधान है उसको विस्तृत बनाने के पीछे 4 प्रमुख कारण हो सकते हैं,
ठीक है, वो चार कारण कौन कौन से हैं मैं आपके साथ में लिख करके डिस्कस करूँगा, कुछ समझ लेते हैं। देखिए पहला जो कारण है उसमें वो है आपका भौगोलिक कारण। ठीक, भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और उसकी विविधता। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ, भारत का विस्तार और विविधता, ठीक, जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या आपको पता था कितने उसमें, जो हम आप जानते हैं 29 स्टेट है और 7 यूटीज हैं। चलिए एक बात और पहले इनको मैं डिस्कस करने से पहले ये समझाता हूँ आपको कि राज्य क्या होता है और यूटीज क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, एक स्टेट कैसे बनता है और यूटीज कैसे होती है वो समझ लेते हैं। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले उसमें भी समझा होगा कि भाई जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के सीएम बात कर रहे थे, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो भी इलेक्शन आता है लोकसभा का, तो क्या बात करते हैं उसमें कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का, इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे देंगे। लेकिन कभी दिया आज तक? नहीं दिया। ठीक, तो समझते हैं कि यूटी क्या है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, यूटीज क्या है और क्या कहते हैं स्टेट क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। पहले एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, उसको आप बताइए सॉल्व करके। हम लोग जानते हैं दिल्ली, दिल्ली का ऑफिशियल नेम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा अच्छा खासा। तो दिल्ली का ऑफिशियल नेम क्या है ये आपको बताना होगा। चलिए हम स्टेट और यूटी डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए मैं इसमें एक और नई भी चीज़ आपको साथ में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसे स्टेट लिखा, स्टेट, और एक स्टेट मैंने लिखता हूँ इसी के ठीक नीचे स्टेट। ये जो दो मैंने स्टेट के प्रकार लिखे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों का मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं पहले। देखिए आप बोलेंगे सर है तो दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है, कहने को अगर पढ़ रहे हो तो मतलब भी सेम है, लेकिन इसमें एक और चीज़ हम मिस कर जाते हैं अधिकतर स्टूडेंट, कि जब आप क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हो ना, कहीं पर स्टेट लिखा हो बीच में, मतलब क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हो तो उसके बीच में ऐसे स्टेट लिखा है और उसमें एस कैपिटल बना हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो स्टेट को किससे बात कनेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सेंटर से कनेक्ट, यानी कि यूनियन से, ठीक है, यूनियन से वो कनेक्ट कर रहे हैं, यानी यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और जब भी स्टेट में एस स्मॉल आपको मिलता है, ठीक है, तो वो करते किसकी, राज्य की, सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल स्टेट की बात वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कैपिटल एस और स्मॉल एस में, और ये खासतौर पर जो बीच में मिलता है उसी में आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी कोई पूछे आपको तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आप स्टेट क्या है और यूटी क्या है, उसको समझ लेते हैं। देखिए स्टेट में आपको क्या देखने को मिलता है, स्टेट में आपके पास होगा यहाँ पर सीएम, ठीक, और यहाँ पर होगा आपके पास राज्यपाल यानी कि गवर्नर। सीएम और गवर्नर यहाँ पर होते हैं आपके पास दो स्टेट में हमेशा। यहाँ पर जो भी कार्य होंगे, ठीक है, अब मान लीजिए पुलिस है, सीएम के अंडर में काम होगी, ठीक है, यहाँ पर जो भी कार्य होंगे वो सीएम और गवर्नर के थ्रू होंगे। ठीक, यानी कि जो सीएम कार्य कर रहा है वो गवर्नर के बिहाफ पे कर रहा है, जैसे हमारा पीएम कार्य जो कर रहा है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, वैसे यहाँ पर है सीएम जो कार्य कर रहा है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, कोई भी वर्क करेगा वो गवर्नर के बिहाफ पे करेगा। लेकिन जो यूटी है आपकी उसमें ऐसा नहीं है, केवल और केवल दो यूटी को छोड़ दीजिए आप, दिल्ली और पांडिचेरी, इन दो को आप छोड़ दीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ समझ जाइए, दिल्ली और पांडिचेरी को, बाकी कितनी यूटी बची आपकी, 5 यूटी बची आपकी। ठीक है, 5 बची, 7 में से 2 निकाल दी हमने। ये जो 5 यूटीज हैं इसमें आपका ना तो सीएम है ना ही गवर्नर है। ठीक, और एक और एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर कि यहाँ दिल्ली में सीएम तो है लेकिन गवर्नर नहीं है, गवर्नर की जगह पे यहाँ पे कौन होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ठीक है, उपराज्यपाल इसको हम बोलते हैं। स्टेट में आपके पास क्या है, राज्यपाल है, लेकिन दिल्ली में आपके पास उपराज्यपाल होगा, और सेम कंडीशन अप्लाई हो कहाँ होती है आपके पास, यहाँ पर भी सीएम होगा और
लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उपराज्यपाल यहाँ पर होगा। लेकिन जो पांच चोटीज आपकी बच जाती हैं उसमें क्या होगा? उसमें ना तो कोई सीएम होगा क्योंकि वहाँ इलेक्शन तो होते नहीं, ठीक। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा आपका, ठीक है, एडमिन का एक बंदा होगा जो पूरा काम संभालेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को हम कहते हैं। और ये जो काम करेगा ये किसके बिहाफ पे कर रहा है? सेंटर के बिहाफ पे कर रहा है। सेंटर में कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये जो है दिल्ली आपका, दिल्ली में भी जो कार्य हो रहा है वो किसके बिहाफ पर हो रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर हो रहा है, जो क्योंकि दिल्ली का जो सीएम है और पांडिचेरी का जो सीएम है, इसको अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो 29 स्टेट जो हो गए, इनके केस में क्या होगा? जो सीएम को अपॉइंट करेगा वो कौन करेगा? गवर्नर ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक। तो ये डिफरेंस है आपका यूटीज और स्टेट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो दोबारा दोबारा देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो मैंने क्वेश्चन आपको छोड़ा है ना कि दिल्ली का ऑफिशियल नेम क्या है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए।